मैं सबसे पहले आधा किलो के करीब मैदा डाल रही हूँ। अब इसमें बीच में थोड़ी सी जगह बनाऊंगी, जिसमें मैं 1 चम्मच के करीब बेकिंग पाउडर डाल दूंगी और 1 चम्मच ही चीनी का। एक चम्मच के करीब नमक, इन सब के साथ इसमें 2 चम्मच दही डाल दूंगी। अब इस डो को मैं हाथ से अच्छे से पहले मिक्स कर लूंगी। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूंगी और धीरे धीरे करके इसको अच्छा डो बना लेंगे। डो हमें सॉफ्ट गूंदना है, इसे ज़्यादा टाइट हमें नहीं करना है। सूती कपड़े से हम इसको अच्छे से ढककर आधे घंटे के लिए रख देंगे। अब आप देखेंगे आधा घंटा हो चुका है और एक फूल का डबल हो गया है। अब मैं इसमें 2 चम्मच तेल डालकर अच्छे से गूंथ लूंगी। देखेंगे भटूरों के लिए एकदम सॉफ्ट डो बिल्कुल रेडी है। अब हम भटूरे बनाएंगे। अब भटूरे बनाने के लिए हम बोल्स को रेडी करेंगे। पर मैंने सारे बोल्स को तैयार कर लिया है, अब हम भटूरे बनाएंगे। भटूरे को अच्छे से हाथ से ऐसे छाट लेंगे। इसे चाहे हम गोल या फिर इसको लंबा शेप दे सकते हैं। इसमें गर्म हो चुका है, अब हम भटूरे को इसमें तल लेंगे। इसको हल्के हाथों से दबाएंगे। आप देखेंगे भटूरा किस तरह एकदम फूलकर बनकर तैयार हो गया है। अब आप देखेंगे हमारे भटूरे एकदम सॉफ्ट नरम फूले फूले भटूरे बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इसे आप छोले मसाला के साथ खाइए, बहुत स्वादिष्ट बने हैं।